हेलो एवरीवन। तो लेट अस स्टार्ट विद हेज अकाउंटिंग। हेज अकाउंटिंग अंडर IFRS 9 IFRS Ind AS 109. हम शुरू करेंगे पहले हेज अकाउंटिंग IFRS 9 और Ind AS 109। इसके अंदर हम इसकी टेक्निकलिटी में चलें, क्योंकि स्टैंडर्ड काफ़ी कॉम्प्लेक्स और टेक्निकल है, आप जानते हैं। तो हम इसकी टेक्निकलिटी में चलें कि एक्चुअल में हेज क्या है और उसके यूज क्या है, और IFRS 9 में कब हेज करना ज़रूरी है, कब हेज करना ज़रूरी नहीं है। IFRS 9 हेज के बारे में क्या कहता है, क्या नहीं कहता, इसकी रिकग्निशन कैसे होगी, अकाउंटिंग कैसे होगी, उससे पहले हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि हेज है क्या। इसलिए हेज की अकाउंटिंग शुरू करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ हेज। तो हेज के बारे में समझते हैं कि हेज एक्चुअल में क्या है, क्योंकि बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्लियर होने के बाद अगर हम टेक्निकलिटी में चलेंगे तो वो टेक्निकल पॉइंट हमें ज़्यादा क्लियर होगा। तो सपोज एक्स लिमिटेड एक एयरलाइन कंपनी है। एक्स लिमिटेड एक एयरलाइन कंपनी है और एक्स लिमिटेड को यह पता है कि उसके पर डे फ्लाइट क्या है, यानी पर डे उसका कितना फ्लाइट चलता है, फ्लाइट पर डे। एक्स लिमिटेड ये भी जानती है कि डिस्टेंस पर डे कितना कवर करती है फ्लाइट, और इसलिए एक्स लिमिटेड ये भी जानती है कि फ्लाइट में फ्यूल का कंजम्पशन पर डे कितना होगा, फ्यूल पर डे। ये बेसिक इंफॉर्मेशन है जो कंपनी को पता है। कंपनी जानती है कि उसके पास कितने फ्लाइट्स हैं पर डे, वो कितना फ्लाइट रूट करती है, रूट के डिस्टेंस भी पता है, और एवरेज फ्यूल कंजम्पशन भी उसको पर डे का पता है। अब जो फ्यूल की प्राइस है, प्राइस ऑफ फ्यूल इस बात पे डिपेंड करता है कि इंटरनेशनल मार्केट में पर बैरल डॉलर के रेट क्या है, यानी ये डिपेंड करता है प्राइस इन इंटरनेशनल मार्केट। इसका यह मतलब है कि इंटरनेशनल मार्केट में अगर प्राइस में चेंज आए, प्राइस बढ़े, एक्स लिमिटेड को नुकसान होगा फ्यूल की वजह से, और अगर प्राइस घटे तो एक्स लिमिटेड को फायदा होगा। इसका यह मतलब है कि एक्स लिमिटेड के पास एक रिस्क एक्सपोजर है, रिस्क एक्सपोजर।
और वो रिस्क एक्सपोजर है प्राइस चेंज का। रिस्क एक्सपोजर ऑफ प्राइस चेंज। मैं बेसिक इंफॉर्मेशन रिपीट करता हूं, एक्स लिमिटेड के पास फ्लाइट है, पर डे उसकी कितनी उड़ाने जाती हैं उसको पता है, उसकी उड़ानों का डिस्टेंस का सम टोटल कितना है ये भी उसे पता है, और उसकी फ्यूल कंजम्पशन क्या है वो भी पता है। जो फ्यूल है उसकी प्राइस घट बढ़ सकती है बेस्ड ऑन कि क्रूड के प्राइस में कितना चेंज आता है। अगर क्रूड की प्राइस बढ़ती है तो फ्यूल की प्राइस बढ़ेगी, अगर क्रूड की प्राइस घटती है तो फ्यूल की प्राइस बढ़ेगी घटेगी। इसका ये मतलब है कि फ्यूल के प्राइस का रिस्क एक्स लिमिटेड के लिए एक रिस्क एक्सपोजर है। अब एक्स लिमिटेड ये चाहती है कि वो फ्यूल के प्राइस को फिक्स करा ले, और इसलिए एक्स लिमिटेड एक फिक्स फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करती है, फिक्स्ड फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। एक्स लिमिटेड एंटर इनटू फिक्स्ड फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट फिक्स्ड फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कितने भी पीरियड के लिए, अगले 1 साल के लिए, 6 महीने के लिए, उसके जो एवरेज फ्यूल कंजम्पशन है किसी भी पर्टिकुलर पीरियड के लिए वो एक फिक्स प्राइस में एंटर करती है फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में, और वहां पे वो फिक्स करा लेती है कि उसको जो फ्यूल की प्राइस चार्ज होनी है, प्राइस चार्ज लेट अस सपोज कि प्राइस उसने फिक्स करवा लिया पर केजी पर लीटर डॉलर ₹70 और एनीथिंग एल्स। ऑब्जेक्ट क्या है कहने का कि प्राइस के जो रिस्क हैं यानी जो फ्यूल की वजह से प्राइस बढ़ सकती है उसका जो रिस्क है उस रिस्क को एक्स लिमिटेड सेट ऑफ करा रही है एक फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट एंटर करके। ये अभी नहीं कहा जा सकता कि एक्स लिमिटेड ने ये जो काम किया उसके लिए वो हमेशा बेटर साबित होगा, ये डिसीजन बढ़िया होगा या खराब होगा, ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि फ्यूचर का मार्केट कैसे रहेगा। लेकिन एक्स लिमिटेड ने एक हिट किया है कि अगर प्राइस को फिक्स कराया जाए तो प्राइस के वेरिएशन से बचा जा सकता है, और फ्यूचर में जो फ्यूल की प्राइस बढ़ सकती है जो एक्स लिमिटेड को लग रहा है उसके एडवर्स इंपैक्ट से कंपनी को बचाया जा सकता है, ऐसा एक्स लिमिटेड को लग रहा है। ये डिसीजन बढ़िया है या ये डिसीजन बेकार है ये अभी इसके बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल सपोज करते हैं कि अभी जो प्राइस है, करंट प्राइस, वो पर यूनिट ऑफ कंजम्पशन 68 है, और फॉरवर्ड प्राइस जो फिक्स किया वो है 70। वो 70 है। अगर जब हमें रिक्वायरमेंट है तब मार्केट प्राइस जो बाजार में चलती है वो 78 पे पहुंच जाती है, फिर भी चूंकि हमने ₹70 में फॉरवर्ड कर रखा है हमारी प्राइस 70 पे ही फिक्स करेगी, और ये जो ₹10 का लॉस हमें दिख रहा है वो ₹10 का लॉस एक्चुअल में नहीं होगा, हमारा जो लॉस है वो ₹2 पे फिक्स हो गया क्योंकि हमने 68 की चीज का 70 में कॉन्ट्रैक्ट बना लिया था, तो हमारा जो एक्चुअल लॉस है वो 2 पे फिक्स हो गया। अब मार्केट प्राइस बढ़े या मार्केट प्राइस घटे इसका असर हमारे ऊपर नहीं पड़ेगा, हमारा को ₹2 का लॉस होना था वो ₹2 का लॉस हो गया। ये डिसीजन अभी गुड है क्योंकि वैसे अगर प्राइस इंक्रीज देखें तो ₹10 हो गया है, और चूंकि हमने फॉरवर्ड करा रखा है तो हमें सिर्फ ₹2 का लॉस हो रहा है,
हमें 8 रुपए का गेन हो रहा है। लेकिन यह जरूरी नहीं कि हमेशा सही हो। लेट अस सपोज कि प्राइस यहां 68 के बजाय 78 के बजाय 65 हो, तो ऐसे केस में प्राइस घटने का जो गेन हो सकता है वो गेन आपको नहीं होगा, आपको अब भी 70 रुपए का खरीदना पड़ेगा, मतलब 2 रुपए का लॉस आपको फिक्स हो चुका है। तो जो हमारे पास हेज कॉन्ट्रैक्ट है, जहां पे हम प्राइस को फिक्स करने की कोशिश करते हैं, लॉस को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, लॉस से बचने की कोशिश करते हैं, वो वाकई हमारे लिए गुड डिसीजन है या बैड डिसीजन है, ये तो समय आने के बाद ही डिसाइड होगा। तो उसका जो इंपैक्ट होगा अकाउंट में वो तो हम धीरे धीरे ही दिखा पाएंगे, लेकिन मैं आपको यहां पे ये बेसिक ऑब्जेक्टिव बता रहा था कि कंपनियां आखिर हेज कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करती क्यों है। अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, अपने आप को सेफ करने के लिए कंपनियां हेज कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करती हैं। इतनी बात तो फिक्स है कि भले ही अगर प्राइस नीचे चला गया तो हमारे को कोई फायदा नहीं हुआ, लेकिन इतना जरूर हो गया कि हमने अपने रिस्क को 2 रुपए दे करके फिक्स करा लिया, क्योंकि इधर 68 था, फॉरवर्ड रेट 70 पे है। अब इन ऑल केसेज आपको 70 रुपीज का ही पर यूनिट कंजम्पशन मिलेगा, जो भी फ्यूल की रिक्वायरमेंट होगी। मतलब 2 रुपए के लॉस होने के बाद आप फ्यूचर के वेरिएशन से बच गए। तो मेरा ऑब्जेक्ट यहां पे ये क्लियर कराने का है कि कंपनियां किस तरीके से अपने रिस्क के एक्सपोजर को फिक्स करती है। हेज इज नथिंग बट फिक्सिंग द रिस्क एक्सपोजर ड्यू टू फ्यूचर पॉसिबल वेरिएशन, बिकॉज मार्केट इज वोलाटाइल, नो वन कैन फोरकास्ट दैट विद रिस्पॉन्स टू चेंज इन टाइम हाउ मार्केट विल वेरी। अकॉर्डिंगली कंपनी ऑलवेज एंटर इन टू सच कॉन्ट्रैक्ट सो दैट कंपनी एंटर इन टू सच कॉन्ट्रैक्ट सो दैट कंपनी कैन मिनिमाइज द रिस्क, कंपनी कैन सेट ऑफ द रिस्क और कंपनी कैन फिक्स द रिस्क। दिस इज द टोटल ऑब्जेक्टिव ऑफ हेज अकाउंटिंग। तो हेज अकाउंटिंग के अंदर जो पॉइंट है वो पॉइंट ये है कि हमने 2 रुपए का रिस्क को फिक्स कर दिया है। दिस रिस्क इज टोटली फिक्स्ड, दिस रिस्क विल नॉट चेंज इन फ्यूचर। तो इस वेरिएशन को मैनेजमेंट को ही हम हेज अकाउंटिंग कहते हैं। चूंकि हमें IND 109 में यानी IFRS 9 में इसकी अकाउंटिंग करनी है बेस्ड ऑन टेक्निकल एनालिसिस, इसलिए मैं अभी से कुछ बातें आपको क्लियर कराना चाहता हूं। आप ध्यान देंगे तो हमने इस आइटम का रिस्क फिक्स किया है, मतलब फ्यूल पर डे कंजम्पशन के रिस्क को हम फिक्स कर रहे हैं। इसलिए IFRS 9 कहता है कि जिस के रिस्क को फिक्स किया जाए, यानी जिसको जिसके लॉस को मिटिगेट किया जाए, ऑफसेट किया जाए, दैट आइटम इज कॉल्ड हेज आइटम, दैट आइटम इज कॉल्ड हेज आइटम, और जिसके थ्रू किया जाए दैट इज कॉल्ड इंस्ट्रूमेंट्स यानी हेजिंग इंस्ट्रूमेंट। यानी हमने फ्यूल के कंजम्पशन को जो डॉलर के प्राइस में इंक्रीमेंट से हो सकता है लॉस, उसको प्रोटेक्ट किया है फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट से, इसलिए फिक्स्ड फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट इज हेजिंग इंस्ट्रूमेंट, दिस इज हेजिंग इंस्ट्रूमेंट। दिस इज हेजिंग इंस्ट्रूमेंट, ये एक हेज का इंस्ट्रूमेंट है। इस इंस्ट्रूमेंट के थ्रू हम हेज के आइटम को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, लॉस की प्रोटेक्शन करने की कोशिश कर रहे हैं, लॉस को एलिमिनेट और मिनिमाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। लेट अस टेक अनदर एग्जांपल, द नेक्स्ट नेक्स्ट एग्जांपल, सपोज वाई लिमिटेड एंटर इन टू लोन कॉन्ट्रैक्ट रुपीज 1 करोड़
लोन टेकन एट फिक्स्ड रेट ऑफ 12%, 12% के फिक्स रेट पे वाई लिमिटेड ने लोन ले लिया फॉर 5 ईयर टर्म। फॉर 5 ईयर टर्म्स, 5 साल के लिए 12% पे लोन ले लिया एक्स लिमिटेड ने, वाई लिमिटेड ने, और अब वाई लिमिटेड को पर ईयर 12 लाख रुपए पे करने हैं। अब वाई लिमिटेड को ऐसा लग रहा है कि फ्यूचर में मार्केट की प्राइस घटेगी, यानी मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट लो होगा, इंटरेस्ट का कंपोनेंट लो होगा। यानी वाई लिमिटेड को ऐसा लग रहा है कि उसने जो कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है 12% पर एनम देने का, वो उसका कॉन्ट्रैक्ट सही नहीं हुआ, क्योंकि बाजार में जो फ्यूचर में रेट है वो डिक्लाइन करेगा, और इसलिए एक्स लिमिटेड ये चाहती है कि किसी भी तरीके से उसका फिक्स रेट का कमिटमेंट खत्म हो जाए और वेरिएबल रेट पे चलाए। इसलिए एक्स लिमिटेड एक फिर से कॉन्ट्रैक्ट करती है, यानी यहां पे अगर मैं चेक करूं तो यहां पे इंटरेस्ट रेट के एक्सपोजर का रिस्क है, इंटरेस्ट रेट एक्सपोजर रिस्क, क्योंकि एक्स लिमिटेड को, सॉरी वाई लिमिटेड को इंटरेस्ट के रेट पे करने हैं जो फिक्स हो चुका है, इसलिए इसके पास इंटरेस्ट रेट एक्सपोजर का रिस्क है। अब वाई लिमिटेड ये चाहती है कि वो किस तरीके से इंटरेस्ट के रिस्क को मिनिमाइज करे, इसलिए वाई लिमिटेड ने एक कॉन्ट्रो ट्रांजेक्शन एंटर कर लिया इंटरेस्ट रेट स्वैप का, एंटर इंटू इंटरेस्ट रेट स्वैप एग्रीमेंट, इंटरेस्ट रेट स्वैप एग्रीमेंट, आईआरएस स्वैप एग्रीमेंट में एंटर कर लिया, जहां पे एक्स लिमिटेड विल पे वेरिएबल एंड रिसीव फिक्स। पे वेरिएबल रिसीव फिक्स, दैट इज वेरिएबिलिटी इज बेस्ड ऑन लिबोर प्लस 4%, दिस इज द रेट, लिबोर प्लस 4%। एक्स लिमिटेड को एक फिक्स ऑब्लिगेशन थी कि एक्स लिमिटेड को पर एनम 12 लाख रुपए देना था फिक्स। एक्स लिमिटेड को ऐसा लग रहा है कि एक्स लिमिटेड ने गलत ट्रांजेक्शन कर लिया और बाजार में रेट घटेगा। अब एक्स लिमिटेड क्या कहती है, किसी स्वैप बैंक से, किसी थर्ड पार्टी से कॉन्ट्रैक्ट बनाती है कि वो थर्ड पार्टी को वेरिएबल पे करेगी और फिक्स लेगी। मतलब मान लो कि वाई लिमिटेड स्वैप बैंक से कॉन्ट्रैक्ट बनाती है, स्वैप बैंक, अब स्वैप बैंक एक्स वाई लिमिटेड को पे करेगी फिक्स, और ये फिक्स पेमेंट वाई लिमिटेड इस लोन के होल्डर को, जिसने लोन दिया है उसको ट्रांसफर कर देगी। मतलब फिक्स 12 लाख वाई के पास बैंक से आएगा और फिर वाई अपने लोन होल्डर को उसे पे कर देगी। मतलब वाई के ऊपर से फिक्स रेट का कमिटमेंट खत्म हो गया, यहां से फिक्स 12 लाख रुपए लेना है और ये 12 लाख रुपए होल्डर को दे देना है जिससे वाई लिमिटेड ने लोन लिया, और बदले में अब वाई लिमिटेड इसे वेरिएबल रेट पे करेगी और वो वेरिएबल रेट डिसाइड होगा बेस्ड ऑन लिबोर, बेस्ड ऑन लिबोर प्लस में 4%। मतलब अगर लिबोर के रेट में कमी आती है तो वाई लिमिटेड का डिसीजन सही था कि बाजार का रेट घटेगा, उससे वाई लिमिटेड को फायदा होगा, और अगर लिबोर का रेट बढ़ जाता है तो वाई लिमिटेड का डिसीजन गलत निकला, क्योंकि वाई लिमिटेड ने कॉन्ट्रैक्ट किया है वेरिएबल देने का और फिक्स लेने का। तो फिक्स लेने का कमिटमेंट क्यों है, क्योंकि इससे फिक्स लेना है और जिसने आपको पैसा लेंड किया था, जो लेंडर है, आपको दे देना है। मतलब फिक्स पैसा आपके जेब से नहीं गया, ये इस पार्टी से आया और आपने उसे लेंडर को ट्रांसफर कर दिया।
हमें पे करना पड़ा वेरिएबल, और वेरिएबल है लिबोर प्लस 4%। सपोज लिबोर 4% रहता है तो वाई लिमिटेड के जेब से 8% जाएगा, 12 लाख आएगा और 12 लाख रीपे हो जाएगा, मतलब एक्चुअल जो कमिटमेंट वाई लिमिटेड की थी वो 8% की हुई। अगर रेट घटता है तो वाई लिमिटेड को बहुत फायदा होगा, लेकिन रेट घटता है तो वाई लिमिटेड को नुकसान भी हो सकता है। अब ये फ्यूचर की बात है, यहां पे आपने अपने रिस्क को फिक्स नहीं कराया, आपने अपने कैश फ्लो का जो फिक्स ऑब्लिगेशन था उसको तो खत्म कर दिया, लेकिन फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू आपके ऊपर एक सेपरेट डेरिवेटिव का अब अकाउंटिंग स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि वेरिएशन अगर आपके फेवर में रहा तो आपको फायदा होगा, नहीं तो आपको नुकसान होगा। मतलब फिक्स रेट जो हमारी ऑब्लिगेशन थी, हमने उसको वेरिएबल रेट ऑब्लिगेशन से सेटल कर दिया। ये जो इंटरेस्ट रेट एक्सपोजर है ये फिक्स रेट का है, और ये जो हमने स्वैप किया ये वेरिएबल रेट का है। इसका ये मतलब हुआ कि हमने फिक्स रेट ऑब्लिगेशन को वेरिएबल रेट ऑब्लिगेशन से खत्म कर दिया, इसलिए इसको हम कहेंगे हेज आइटम, क्योंकि इसको हम बचाने की कोशिश कर रहे हैं। हेज आइटम उसको कहते हैं हम जिसको बचाने की कोशिश करते हैं, और हेजिंग इंस्ट्रूमेंट उसको कहते हैं जिसके थ्रू बचाने की कोशिश करते हैं। तो जो फ्लोटिंग रेट है वो हेजिंग इंस्ट्रूमेंट है, हेजिंग इंस्ट्रूमेंट, और जो फिक्स रेट है वो हमारे पास में हेज इंस्ट्रूमेंट हो गया। फ्लोटिंग रेट इज हेजिंग इंस्ट्रूमेंट, फिक्स रेट इज हेज आइटम। तो आपको इसके साथ साथ ये भी क्लियर करना है कि हेज आइटम किसे कहते हैं और हेजिंग इंस्ट्रूमेंट किसे कहते हैं। हेज आइटम वो है जिसको बचाने की कोशिश हो रही है, और हेजिंग इंस्ट्रूमेंट वो है जिसके थ्रू बचाने की कोशिश की जा रही है। मतलब इसमें अगर मैं और क्लैरिफाई कर दूं इस डायग्राम को, तो आप इसको इस तरीके से भी चेक कर सकते हैं ज्यादा क्लियरिटी के लिए। सपोज वाई लिमिटेड ने लोन लिया था एक्स लिमिटेड से 1 करोड़ का, एट द रेट 12%। मतलब वाई लिमिटेड को 12 लाख रुपए एनुअल पेमेंट करना था। अब वाई लिमिटेड ने स्वैप बैंक से यानी थर्ड पार्टी से कॉन्ट्रैक्ट किया, स्वैप बैंक, बिल्कुल 1 करोड़ के अमाउंट पे ही स्वैप बैंक से कॉन्ट्रैक्ट किया कि वाई लिमिटेड स्वैप बैंक को वेरिएबल पे करेगी, और स्वैप बैंक से फिक्स रिसीव करेगी, और वेरिएबल था लिबोर प्लस 4%। अब होगा क्या, वाई लिमिटेड बैंक से 12% के हिसाब से 12 लाख रुपए रिसीव करेगी, और यही 12 लाख रुपए वो एक्स लिमिटेड को वापस कर देगी। मतलब वाई के पास से फिक्स नहीं जाएगा, वाई को 12 लाख रुपए मिला और वाई ने इस 12 लाख रुपए को एक्स को दे दिया। मतलब 12 लाख रुपए अब वाई के पॉकेट से नहीं जा रहा, अब वाई के लिए जो कॉन्ट्रैक्ट बन गया वो वेरिएबल बन गया। अब अगर वेरिएबल रेट 8% होता है तो वाई को 8 पे करना पड़ेगा, 10 होता है तो 10 पे करना पड़ेगा, 12 होता है 12 पे करना पड़ेगा, 16 होता है 16 पे करना पड़ेगा। लेकिन ये हेज तो हो गया, क्योंकि ये जो फिक्स रेट था इसको हमने फ्लोटिंग रेट के थ्रू हेज करा दिया। अभी सिर्फ आप हेजिंग का मतलब समझ रहे हैं, फिक्स रेट को फ्लोटिंग रेट के थ्रू हेज करा दिया। इसलिए हमारे पास जो फिक्स रेट है जिसको हमने बचाने की कोशिश की है वो हेज आइटम है, और जो फ्लोटिंग रेट है जिसके थ्रू बचाने की कोशिश की है वो हेजिंग इंस्ट्रूमेंट्स है। ये मैं हेज का बैकग्राउंड आपको बता रहा हूं ताकि आपको एक्चुअल में पता लगे कि हेज का एक्चुअल में मतलब क्या है। अकाउंटिंग और जो बाकी फॉर्मेलिटीज है वो सेपरेट रिक्वायरमेंट है, पहले आपको समझ आए कि एक्चुअल में हेज क्या है। मैं एक और एग्जाम्पल लेता हूं, सपोज जेड लिमिटेड, सेल $10,000 गुड्स टू
यूएस कस्टमर। डॉलर रेट एट प्रेजेंट $1 इज इक्वल टू 65। जेट लिमिटेड ने यूएस कस्टमर को $10,000 का बेच दिया है गुड्स। यूएस कस्टमर यूएस में बैठा हुआ है, यह पॉसिबल नहीं है कि हम यूएस कस्टमर को बोलें कि $10,000 इंटू 65 6,50,000 दो, क्योंकि यूएस कस्टमर आपको इंडियन रुपए में पे नहीं करेगा। यूएस कस्टमर 6 मंथ का क्रेडिट है, 6 मंथ क्रेडिट, तो आफ्टर 6 मंथ यूएस कस्टमर विल पे $10,000। सपोज आफ्टर 6 मंथ $1 इज इक्वल टू 60, देर इज डाउनफॉल इन प्राइस। अगर प्राइस में डाउनफॉल हो जाता है तो यूएस कस्टमर ने आपको $10,000 दिया, $10,000 की कीमत बनेगी 6 लाख। जब आपने कॉन्ट्रैक्ट किया था तो 6.5 लाख था और आपका ₹50,000 का नुकसान हो जाएगा। अगर डॉलर का रेट और घटता है 50 पे पहुंचता है तो आपका ₹1.5 लाख का नुकसान होगा। मतलब डॉलर के रेट में फ्लक्चुएशन जेड लिमिटेड के लिए एक बड़ी सरदर्दी है। इसने यूएस कस्टमर को बेच दिया, यूएस कस्टमर डॉलर में पैसा देगा, वो INR में देगा नहीं। अब अगर INR मजबूत हुआ तो नुकसान होना शुरू होगा जेड को, क्योंकि जेड का अमाउंट रिसीवेबल डॉलर में है, और अगर INR कमजोर हुआ तो एक्स लिमिटेड को, जेड लिमिटेड को फायदा होना शुरू होगा क्योंकि उसका अमाउंट यूएस डॉलर में रिसीवेबल है। अब जेड लिमिटेड को यह नहीं पता कि फ्यूचर में डॉलर का रेट क्या होना है। जेड लिमिटेड चाहती है कोई इस तरीके के झंझट से बचे, यानी उसके दिमाग पे जो सरदर्दी है कि पता नहीं डॉलर के टर्म में कितना नुकसान हो जाएगा, उसको ये बचा सकते हैं, फिक्स कर सकते हैं। इसलिए ये पहुंच गए, फिर एक फिक्स फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया, फिक्स फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। फिक्स फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, और ये फिक्स फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया पर डॉलर का ₹67 में। इसका मतलब यूएस कस्टमर जो डॉलर देगा, ये बैंक के पास पहुंचे, इसने फॉरवर्ड साइन किया और बैंक कहता है कि 6 महीने बाद डॉलर का रेट 67 रहेगा। इसलिए 67 में बैंक डॉलर खरीदने को तैयार है, बैंक 67 में डॉलर खरीदने को तैयार है। इसका यह मतलब हुआ कि अब यह फिक्स हो गया कि जेड लिमिटेड को ₹2 का फायदा होगा, क्योंकि करंट रेट चल रहा है 65 और 67 में बैंक डॉलर खरीदेगा, इसका मतलब 2 का फायदा हुआ। अब अगर सपोज करके चलो कि कल प्राइस 60 के बजाय 80 पहुंच जाती है, तब भी जो जेड लिमिटेड है उसको सिर्फ 2 का फायदा होगा, क्योंकि उसके जो डॉलर के रिसिप्ट हैं वो फिक्स हो गए हैं। यानी इसका ना फायदा बढ़ सकता है ना इसका नुकसान हो सकता है, यहां पे ये फिक्स हो चुका है। मतलब अपने रिसीवेबल के रिस्क को, रिसीवेबल रिस्क जिसमें फॉरेन करेंसी रिस्क है, फॉरेन करेंसी रिस्क, इसको फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू आपने हेज करा दिया। मतलब ये जो फॉरेन करेंसी रिस्क है आपके पास में, ये फॉरेन करेंसी रिस्क हेज आइटम है और आपने फॉरवर्ड के थ्रू उसे फिक्स कराया, इसलिए फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट हेजिंग इंस्ट्रूमेंट्स है। ये बन गया हेजिंग इंस्ट्रूमेंट्स। ये बन गया हेजिंग इंस्ट्रूमेंट्स। नाउ द क्वेश्चन इज कि जब हम अपने आप को बचाने की कोशिश करते हैं अलग अलग तरीके के ट्रांजैक्शन में एंटर करके, तो हम जो अपने आप को बचाते हैं, हेज करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं, उसकी अकाउंटिंग कैसे होगी अंडर IFRS 9, ये पूरा का पूरा यहां मसला है। मैंने ये इंट्रोडक्शन और बैकग्राउंड आपको इसलिए दिया है ताकि आपको पहले एक्चुअल हेज का मतलब समझ आए और ये सभी समझ आए। मैंने तो 3 तरीके के एग्जाम्पल बताए, बहुत सारे ऐसे ट्रांजेक्शन हो सकते हैं जहां पे रिस्क है, कहीं पे प्राइस का रिस्क है, कहीं पे फॉरेन करेंसी का रिस्क है,
कहीं इन्वेस्टमेंट का रिस्क है, कहीं इंटरेस्ट रेट का रिस्क है। इन जो ये जो रिस्क हैं, इस रिस्क के मैनेजमेंट को ही एक्चुअल में हम हेज अकाउंटिंग कहते हैं। तो ये जो पूरा का पूरा हेज का हिसाब है, ये पूरा का पूरा हेज का हिसाब एक्चुअल में रिस्क मैनेजमेंट का एक हिस्सा है। उस रिस्क मैनेजमेंट की जो स्ट्रेटजी है, जिसके थ्रू कंपनियों ने अपने आप को हेज कराने की कोशिश की है, उसकी रिपोर्टिंग कैसे होगी, दैट इज व्हाट आईएफआरएस प्रेस्क्राइब इन द प्रोविजन ऑफ आईएफआरएस 9 इन चैप्टर 3। आईएफआरएस 9 के तीन चैप्टर है, रिकग्निशन मेजरमेंट, उसके बाद में इंपेयरमेंट और हेज। तो जो हेज का चैप्टर है वो टोटली रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटजी के ऊपर बेस्ड है, और हमें यहां पे ये पता लगाना है कि जो रिस्क का सेफगार्ड कंपनी ने लिया उसको रिपोर्ट कैसे किया जाएगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। तो ये पूरा का पूरा मसला ही रिस्क का था, इसलिए मैंने आपको कुछ एग्जाम्पल के थ्रू ये बताने की कोशिश की है कि आखिर कंपनियां किस किस तरीके के रिस्की ट्रांजेक्शन में एंटर करती हैं और उसको किस तरीके से अपने फेवर में करके हेज करके अपने आप को प्रोटेक्ट करने का कोशिश करती है। तो इसी के सिलसिले में हम आईएफआरएस 9 के अंदर स्टडी करेंगे कि आईएफआरएस 9 एक्चुअल में क्या कहता है। आईएफआरएस 9 के अंदर जो अकाउंटिंग है उसके जो टेक्निकल पार्ट है उसके ऊपर हम आए, उससे पहले मैं आपको एक सिंपल एग्जाम्पल हेज का करके दिखाता हूं कि एक्चुअल में हेज क्या कहता है और क्या करता है। एग्जाम्पल, एक्स लिमिटेड सोल्ड गुड्स टू यूएस कस्टमर फॉर $1,00,000 ऑन 1st of January 2017। अमाउंट विल बी रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर ऑन 31st of March 2019। टू प्रोटेक्ट फ्रॉम करेंसी रिस्क एक्स लिमिटेड एंटर इंटू कॉन्ट्रैक्ट, एक्स लिमिटेड एंटर इंटू फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट डिटेल ऑफ ट्रांजेक्शन इज एज फॉलोज। फॉरवर्ड प्राइस $1 इज इक्वल टू 68 on contract date, $1 is equal to 70, $1 is equal to 70 if similar contract can be purchased ऑन 31 मार्च 2018। डॉलर INR रेट $1,01,2017, $1 इज इक्वल टू 65, 31 मार्च 2018 $1 इज इक्वल टू 68,
31 मार्च 2019 डॉलर वन इज इक्वल टू 75। जनरलाइज जनरलाइज अब सवाल यह है कि हमारे पास सिचुएशन क्या है, कैसे हम रिकॉर्ड करेंगे इसे। तो अगर मैं बात करूं तो जो रिसीवेबल है वो हेज आइटम है, हेज आइटम इज रिसीवेबल। नंबर दो, हेजिंग इंस्ट्रूमेंट इज फॉरवर्ड, फॉरवर्ड इज हेजिंग इंस्ट्रूमेंट। नाउ हम हेजिंग इंस्ट्रूमेंट की अकाउंटिंग करेंगे, उससे पहले मुझे सिंपल फॉरेन करेंसी के डेटर की अकाउंटिंग आपको समझानी है। इसलिए अभी हम हेजिंग इंस्ट्रूमेंट की बात नहीं कर रहे, पहले हम एंट्री रिकॉर्ड कर रहे हैं हेज आइटम की। जर्नल जर्नल हेज आइटम हेजिंग इंस्ट्रूमेंट पहले हेज आइटम हमने जब गुड्स बेचा था उस समय $1.65 का था, तो 1 जनवरी 2017 को मैं रिकॉर्ड कर सकता हूं रिसीवेबल डेबिट $1 लाख इंटू 65 टू रेवेन्यू। $1 लाख इंटू 65 टू रेवेन्यू यानी 6.5 मिलियन। 6.5 मिलियन दैट इज 65 लाख और 6.5 मिलियन। 31 मार्च 2018 को 31 मार्च 2018 को डॉलर का रेट 65 से बढ़ के 68 हो जाता है, मतलब रिसीवेबल्स तो अब भी बढ़ेगा। रिसीवेबल डेबिट 1 लाख इंटू में 3 65 टू 68 वेरिएशन ऑफ 3 एंड दैट इज 0.3 मिलियन टू प्रॉफिट एंड लॉस। ये प्रॉफिट हो गया क्योंकि जिस चीज को आपने 65 रुपए के हिसाब से बेचा था उसमें आज के डेट के हिसाब से आपको 68 की रिकवरी है, मतलब 0.3 मिलियन का प्रॉफिट आ रहा है। अगर मैं 31 मार्च 2018 के बाद 31 मार्च 2019 की बात करूं, 31 मार्च 2019 अगर मैं बात करता हूं 31 मार्च 2019 की, तो 31 मार्च 2019 को क्या होगा, 68 से 75 हो गया और रिसीवेबल्स तो फिर बढ़ गए। रिसीवेबल डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस देर इज वेरिएशन ऑफ 68 टू 75 7 रुपीज।
7 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ है एंड दैट इज 0.7 मिलियन। मतलब जो कॉन्ट्रैक्ट किया वो कॉन्ट्रैक्ट हमारे फेवर में चल रहा था, यानी जो हमें रिसीवेबल का कॉन्ट्रैक्ट है वो लगातार हमें फायदा पहुंचा रहा है। बट दिस प्रॉफिट कैन नॉट एक्सीड इन एनी केस 68 और 65 का डिफरेंस, क्योंकि हमने फिक्स फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर रखा है 68 में। मतलब मुझे डॉलर 68 का ही बेचना पड़ेगा, मतलब मुझे किसी भी केस में 3 रुपए से ज्यादा का फायदा नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि हमने काउंटर में हेजिंग इंस्ट्रूमेंट फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट कर रखा है, और इसकी वजह से फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट की लायबिलिटी क्रिएट होगी, और वो जो फॉरवर्ड की लायबिलिटी होगी उसकी वजह से कॉन्ट्रैक्ट पे लगातार नुकसान चलेगा, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट किसी भी सिचुएशन में आपको बेनिफिट नहीं होने देगा। अब कॉन्ट्रैक्ट की लायबिलिटी कितनी क्रिएट होगी इसको ध्यान देना है। ऑन द डेट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वी एंटर इनटू ट्रांजैक्शन फॉर 68, इट मींस बैंक विल पे 68 फॉर ईच डॉलर। दिस कॉन्ट्रैक्ट विल क्रिएट वैल्यू ओनली व्हेन डॉलर आइदर इंक्रीजेज और डिक्रीजेज। प्रेजेंटली द प्राइस इज फिक्स्ड 68, इट मींस ऑन डेट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट देयर इज नो प्रॉफिट नो लॉस नो ट्रीटमेंट। नो ट्रीटमेंट क्यों? क्योंकि हमने डॉलर 68 में खरीदने का बैंक ने हमसे वादा किया है, तो बैंक वाले 68 से कम हो या ज्यादा हो तभी डॉलर की वैल्यू डिराइव होगी, उससे कम ज्यादा पे वैल्यू डॉलर की डिराइव नहीं होगी। मतलब आज कॉन्ट्रैक्ट पे 68 का फिक्स कर रखा है, इसलिए आज कोई एंट्री नहीं होगी। हम चल रहे 31 मार्च 2018 को। हमने $1.68 में बेचने का वादा कर दिया है, $1.68 में बेचने का कमिटमेंट कर दिया। कमिटमेंट हमने $1.68 में बेचने का कमिटमेंट कर दिया, लेकिन आज बैंक वाले वही $1.70 का खरीद रहे हैं। इसका यह मतलब है कि हमारा पर डॉलर $2 का नुकसान हो चुका, क्योंकि जिस डॉलर को हमने $68 में बेचने का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया वही डॉलर आज $70 का बिक रहा है। इसका मतलब जो हेज का इंस्ट्रूमेंट है वो हमारे फेवर में नहीं गया, वो अगेंस्ट में गया, एंड हेंस देयर इज अ लायबिलिटी ऑफ ₹2 पर डॉलर, एंड दिस इज अकाउंटेड एज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू फॉरवर्ड लायबिलिटी। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू फॉरवर्ड लायबिलिटी $1,00,000 कमिटेड एट 68 बट द रेट इज 70, हेंस लॉस ऑफ ₹2 पर डॉलर एंड दैट इज 0.2 मिलियन। 0.2 मिलियन का लॉस हो चुका हमारा यहां पे, क्योंकि फॉरवर्ड लायबिलिटी की वैल्यू बढ़ गई, वो 68 से 70 हो गया, मतलब ₹2 पर डॉलर हमारा नुकसान हो गया, क्योंकि हमें तो डॉलर 68 का ही बेचना पड़ेगा और आज डॉलर 70 का बिक रहा है। इसका मतलब जो हेज का इंस्ट्रूमेंट था, जो फॉरवर्ड है, उसने हमें नुकसान पहुंचा दिया। अब ऑन कॉन्ट्रैक्ट सेटलमेंट डेट द रेट इज 75, कॉन्ट्रैक्ट के सेटलमेंट पे रेट 75 है, लेकिन हमने बैंक को 68 बेचने का वादा कर दिया, तो 31 मार्च 2019 अगेन देर इज इंक्रीज इन लाइबिलिटी। हम लाइबिलिटी बुक कर चुके हैं 70 तक, लेकिन सेटलमेंट पे आज जो रेट चल रहा है वो चल रहा है 75। मतलब वहां फॉरवर्ड रेट लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि एक्चुअल सेटलमेंट रेट ही आपको फॉरवर्ड रेट में सेटल करना पड़ेगा, क्योंकि आपके रिसीवेबल से कलेक्ट तो हो सकता था 75, लेकिन बैंक आपको 68 पर रुपीज देगा, तो आपको यहां पर लॉस हो रहा है। टोटल 68 माइनस 75, टोटल लॉस ऑफ 7, जिसमें से हम 2 का लॉस बुक कर चुके हैं, तो एक्चुअल में हमारा लॉस बचा हुआ है 0.5, यानी फिर जो एंट्री होगी वो प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट टू
फॉरवर्ड लायबिलिटी, फॉरवर्ड लायबिलिटी $1,00,000, $1,00,000, एंड दैट इज 75 माइनस 70 एंड दैट इज 0.5 मिलियन इज द लॉस, 0.5 मिलियन इज द लॉस। मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो हेज कॉन्ट्रैक्ट है वहां पर लॉस और प्रॉफिट दोनों फिक्स हो जाते हैं, उसमें वेरिएशंस नहीं आती। अगर आप चेक करोगे तो हमारे पास हेज आइटम से जो प्रॉफिट हुआ 0.3 मिलियन एंड 0.7 मिलियन, टोटल प्रॉफिट इज, टोटल प्रॉफिट फ्रॉम हेज आइटम, टोटल प्रॉफिट फ्रॉम हेज आइटम, टोटल प्रॉफिट फ्रॉम हेज आइटम 1 मिलियन, 0.7 और 0.3। टोटल लॉस फ्रॉम हेजिंग इंस्ट्रूमेंट, टोटल लॉस फ्रॉम हेजिंग इंस्ट्रूमेंट, टोटल लॉस फ्रॉम हेजिंग इंस्ट्रूमेंट एंड दैट इज टोटल लॉस फ्रॉम हेजिंग इंस्ट्रूमेंट एंड टोटल लॉस फ्रॉम हेजिंग इंस्ट्रूमेंट इज यू कैन से 0.5 मिलियन एंड 0.2 मिलियन, 0.7 मिलियन। इट मींस प्रॉफिट ऑन एंटायर कॉन्ट्रैक्ट, प्रॉफिट ऑन एंटायर कॉन्ट्रैक्ट इज 0.3 मिलियन, बिकॉज प्रॉफिट ऑफ 1 मिलियन इज सेट ऑफ बाई लॉस ऑफ 0.7 मिलियन एंड नेट प्रॉफिट ऑफ 0.3 मिलियन अराइज। और ये जो 0.3 मिलियन का प्रॉफिट अराइज हुआ था, ये 0.3 मिलियन का प्रॉफिट कॉन्ट्रैक्ट करते ही अराइज हो गया था, क्योंकि जब हमने बेचा था तब डॉलर का रेट 65 था और बैंक ने हमसे 68 रुपए में खरीदने का वादा किया था। तो ये जो प्रॉफिट था वो फिक्स हो गया था, फ्यूचर के वेरिएशन से हम बच गए थे। अब यहां पे इसको करने के बाद आप चेक कर सकते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट का सेटलमेंट कैसे होगा। देयर इज अ फॉरवर्ड लायबिलिटी 0.5 मिलियन एंड 0.2 मिलियन, टोटल फॉरवर्ड लायबिलिटी इज 0.7 मिलियन, फॉरवर्ड लायबिलिटी, फॉरवर्ड लायबिलिटी डेबिट 0.7 मिलियन क्योंकि उसे कैंसिल करना है। बैंक डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट और टू रिसीवेबल, रिसीवेबल वी रियलाइज एट 75, मतलब $1,00,000, $1,00,000 इंटू 75, $1,00,000 इंटू 75, मतलब डॉलर विल रियलाइज 7.5 मिलियन, डॉलर विल रियलाइज 0.7 मिलियन, बैंक विल रिसीव 0.5 मिलियन, हेंस एक्स लिमिटेड विल रिसीव 0.75 मिलियन, माइनस कर दें इसमें से तो 6.8 मिलियन। और ये कमिटेड था कि आपको 68 मिलेगा, उसके ऊपर नीचे का जो भी जाएगा वो सब नफा नुकसान बैंक को होगा। चूंकि डेटर से रियलाइजेशन 7.5 मिलियन यानी 75 लाख हुआ, आपकी फिक्स रिसिप्ट 68 की थी, आपको 68 से ज्यादा का रिसिप्ट नहीं मिलेगा, इसलिए आपकी जो रिसिप्ट थी वो थी 68 और जो बाकी पैसा बच गया 7 लाख का वो बैंक को मिलेगा। हम रिसीवेबल को भी चेक कर लेते हैं। इफ वी चेक रिसीवेबल, 6.5 प्लस 0.3 दिस इज 6.8 और प्लस पॉइंट में 7.5, तो 6.8 और 0.7 ये 7.5 हो जाता है। तो सारा का सारा रिसीवेबल कैंसिल हो गया, सारे के सारे पेबल कैंसिल हो गए, आपके हाथ में आया 68 लाख रुपए, बैंक के पास गया 7 लाख रुपए और डेटर सीरियलाइज हुआ 75 लाख रुपए। मतलब यहां पे हेजिंग इंस्ट्रूमेंट आपका लॉस मेकिंग हुआ, हेज आइटम ही प्रॉफिट मेकिंग हुआ। तो डिसीजन हेज कराने का बैड निकला, लेकिन अकाउंटिंग गुड और बैड से फर्क नहीं पड़ता, अकाउंटिंग इस बात से फर्क पड़ता है कि मूवमेंट कैसे हुआ, उसकी रिपोर्टिंग कैसे होगी। इट मे बी पॉसिबल कि डॉलर के रेट लगातार घट जाते और आपका हेज आइटम नुकसान करता, और वैसे केस में हेजिंग इंस्ट्रूमेंट से आपको बेनिफिट होता, वैसे केस में हेज एक गुड डिसीजन हो सकता था। तो हेजिंग गुड डिसीजन है या बैड डिसीजन, दिस इज ऑल अबाउट रिस्क एक्सपोजर एंड इवैल्यूएशन ऑफ रिस्क। लेकिन अकाउंटिंग में रिपोर्टिंग कैसे होगी
उसके ऊपर हम चर्चा कर रहे थे किस तरीके से रिपोर्ट करेंगे। मैं रिपीट कर रहा हूं इस चीज को, एक एक्स लिमिटेड कंपनी है जिसने अपने यूएस बेस्ड कस्टमर को $1,00,000 के गुड्स भेजे हैं इसने, और जो इसने $1,00,000 के गुड्स बेचे हैं उस टाइट रेट चल रहा था 65। कंपनी एक्सचेंज के रिस्क से डरी हुई है इसलिए उसने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया ₹68 में बेचने का, बाद में रेट 75 हो जाता है, लेकिन कंपनी चूंकि ₹68 में बेचने का कॉन्ट्रैक्ट साइन कर चुकी है इसलिए कंपनी को ₹3 से ज्यादा का फायदा नहीं होगा। उसी के अकाउंटिंग के मूवमेंट की एंट्री में सिखा रहा था कि जो रिसीवेबल है आइटम उसके मूवमेंट कैसे रिकॉर्ड होंगे और जो हेजिंग इंस्ट्रूमेंट है उसके मूवमेंट को कैसे रिकॉर्ड किया जाएगा, फाइनल अमाउंट कैसे सेटल होगा और प्रॉफिट लॉस के ऊपर नेट मूवमेंट में कोई असर नहीं पड़ेगा क्योंकि हमने रिस्क को पहले ही फिक्स कर दिया है। तो दीज आर द पॉइंट्स टू बी डिस्कस्ड ओनली फॉर अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ हेज अकाउंटिंग दैट इज प्रेस्क्राइब्ड अंडर IFRS 9। मेनी मोर पॉइंट टू डिस्कस इज लेफ्ट दैट यू विल डिस्कस लेटर। थैंक यू वेरी मच।